सबसे पहले आप सभी को सुप्रभात। पहले वाली वीडियो में हमने किया था नोटपैड का फाइल मेन्यू, आज हम करेंगे एडिट मेन्यू। यहाँ पे कुछ भी टेक्स्ट टाइप करेंगे, पहले सपोज उसको सिलेक्ट कर रखा है, एडिट पे क्लिक करेंगे, कट जितना मैटर सिलेक्ट है उसको कट करने के लिए, इसको हटा देगा, रिमूव कर देगा। वापस लेना है अंडू कट, कीबोर्ड से लेना है, यहाँ पर साथ में दी हुई है शॉर्टकट इनकी, कट कंट्रोल एक्स प्रेस करेंगे, वापस लेने के लिए कंट्रोल जेड प्रेस करेंगे अंडू की। उसके बाद है कॉपी, को भी मैटर सेलेक्ट कर रखा है उसकी कॉपी करने के लिए कॉपी, फिर बाद में पेस्ट, जितने भी मैटर को पेस्ट करना है उसको पेस्ट पे क्लिक करते जाएंगे, बार बार शो कर देंगे। इसके अंदर से मान लो कोई भी डिलीट करना पोर्शन, उसको सिलेक्ट करेंगे, एडिट एडिट डिलीट, जितना पोर्शन सिलेक्ट उसको डिलीट कर देगा। वापस लेके आना है, अंडू या कंट्रोल जेड प्रेस करेंगे। उसके बाद है फाइंड, कोई भी वर्ड फाइंड करना, सपोज कोई भी टेक्स्ट फाइंड करना है, यहाँ पे मान लो ई फाइंड करना है, कोई भी टेक्स्ट टाइप करेंगे इस पर, मैच केस अप पे क्लिक करेंगे तो डाउन से अप की तरफ आएगा फाइंड करता हुआ, अगर डाउन पे क्लिक करेंगे तो अप से डाउन की तरफ जाएगा फाइंड करता हुआ वर्ड को, फाइंड नेक्स्ट जिस पे भी हमने देखना है, फाइंड नेक्स्ट करते जाएंगे उतनी बार ये शो करता जाएगा। उसके बाद है नेक्स्ट पे कर्सर एडिट से लेके जाना है, फाइंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, वापस जितनी बार भी फाइंड नेक्स्ट करेंगे नेक्स्ट वर्ड पे कर्सर जाएगा। कीबोर्ड से करना यही सेम, F3 प्रेस करेंगे शॉर्टकट की आएगी। उसके बाद है रिप्लेस, कोई भी वर्ड को रिप्लेस करना, बदलना, मान लो ये की जगह पे कोई भी वर्ड डाल दिया कंप्यूटर, ये को रिप्लेस करना है कंप्यूटर के अंदर, मैच केस पे क्लिक करेंगे, सिर्फ एक को करना है तो रिप्लेस कंप्लीट लेटर को चेंज करना है कंप्यूटर के अंदर, रिप्लेस ऑल कंप्लीट को रिप्लेस कर देगा, जिस जिस जगह पे ई था उसके कन्वर्ट कर देगा उसको कंप्यूटर के अंदर, कंट्रोल एच इसकी शॉर्टकट की है। वापस एडिट गो टू, अब तो गो टू लॉक है, इसको ओपन कैसे करोगे, फॉर्मेट पे क्लिक करेंगे, यहाँ से टिक का निशान हटा देंगे, एडिट गो टू, कौन सी लाइन पे कर्सर लेके जाना, यहाँ पे लाइन टाइप करेंगे गो टू, उसी लाइन पे कर्सर शो कर देगा, वैसे लेके जाना है अप एरो से, डाउन एरो से, राइट साइड, यहाँ से भी शो कर देगा लेफ्ट साइड, या फिर गो टू का भी यूज़ कर सकते हो, कंट्रोल जी गो टू की शॉर्टकट की है। सिलेक्ट ऑल कंप्लीट मैटर को सिलेक्ट करना, वापस अनसेलेक्ट करोगे या कंट्रोल जेड क्लिक करोगे, कंट्रोल जेड से वापस आएगा। डेट एंड टाइम पेज पे डेट टाइम इंसर्ट करवाना, जिस जगह पे कर्सर है वो शो कर देगा। अब करेंगे एडिट पे क्लिक, डेट टाइम, कीबोर्ड से करना है F5, यहाँ पे एक ही लाइन में कर्सर चल रहा है क्योंकि ये वर्ड रैप है, यहाँ पे टिक का निशान क्लिक करेंगे तो रैप टू विंडो अब नेक्स्ट पे ले जाने के लिए एंटर की कोई जरूरत नहीं, अपना आप नेक्स्ट टाइम में कर्सर शो कर देगा। जब कोई भी टाइपिंग करो तब ये टिक का निशान लगाना होता है इसके अंदर, जब ये गो टू और स्टेटस बार होती है जो यहाँ पे व्यू पे ये यूज करेंगे तब ये हटा देंगे टिक के निशान को, शो कर देगा नीचे स्टेटस बार, शो करवाना या हाइड करवाना, टाइपिंग करोगे तब ये लगाना। उसके बाद है फॉर्मेट पे क्लिक करके फॉन्ट, मतलब फॉन्ट लैंग्वेज चेंज करना, फॉर्मेटिंग करना, कौन सी लैंग्वेज सिलेक्ट करनी है वो शो कर देगा, स्टाइल साइज कम ज़्यादा करना ओके क्लिक करेंगे वो शो कर देगा। उसके बाद है हेल्प, व्यू हेल्प पे क्लिक करेंगे, यहाँ से हम हेल्प ले सकते हैं, ये हेल्प मेन्यू शो कर देगा, हेल्प पे क्लिक करेंगे, ज़्यादा हेल्प मतलब हर एक चीज़ क्लियर करनी है तो अपने ऐप की सहायता ले सकते हैं। उसके बाद है अबाउट नोटपैड, नोटपैड मतलब कौन सी विंडो सिस्टम के अंदर कंप्यूटर के अंदर वो शो कर देगा। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, हमारा नोटपैड कंप्लीट।